तथा इस श्लोक में सभी शोकों को भोग ग्रंथ में सतगुरु वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूजी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री शक्ति नारायण भक्त को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति का सुनता है, उसी भगवान शक्ति नारायण कृपा से धूमधाम की आदि प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में श्री फलों को भोग प्राप्त करके हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान शक्ति नारायण के व्रत को कहा है, जिसके कारण इसे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्य पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्य देव तथा दूसरे लोग सत्य नारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान शक्ति नारायण सभी को व्रत सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सद्व्रत रूप धारण करके सभी को व्रत पूर्ण करने वाले होंगे। ही श्रेष्ठ मुनिया, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की भक्ता को पढ़ता है या सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर, पूर्व काल जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था उनके लिए जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। आप लोग सुने, महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उन्हें मोक्ष को प्राप्त किया। लगाड़ा बिल्लों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्लामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सर्वतेज साधु पिछले जन्म की सजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धज नाम का राजा हुआ, उसने आर्य से चिर कर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु गर्भित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज को जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोवंदी सब धर्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भगवान शाक्षत्थान गोलोक को प्राप्त किया। श्री अष्टंद प्राणी रिभाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। भगवान की जय। बन बिहारी लाल की जय। महादेव की जय। महाराज की जय। दरबार की जय। महारानी की जय। दोनों का छाल भेजा हो छपनी मिला नहीं छपनी छपनी का के जब बार छपनी मिला लेकिन जो गा छोटा वो अच्छा मारित में जीरो बचा है जीरो बचा जीरो बचा एक था जीरो लकड़ी वाइट तो डाल लो आरती भी तो बाकी छे आमिर लकड़ी पतला पतला उसमें तो क्या तुम रखो या नहीं रखो, हम लोग जो नियम से नहीं कर रहे हैं। अच्छा लकड़ी कौन सा है?